A column, right? Then B, write down name in the A, basic in B, HRA in C, DA in D, DA in D, then E is PS, F, other deductions, G is gross, and H is net salary. Net salary. Written. Have you made the worksheet? Name, basic salary, HRA, that is human resource allowance, DA, then PF, other deductions are given for some of the employees, then gross salary, and then we have to calculate the net salary. Clear? The question is clear, bache? Okay. Now write down the first part. First part, calculate the HRA as, calculate the HRA as 25% of basic. 25% of basic. How you will calculate the HR? The HRA will be calculated by the 25% of basic. So what will be the formula? क्या फॉर्मूला लगेगा अगर आपने 25% ऑफ बेसिक निकालना है? फर्स्टली फॉर्मूला टू बी रिटन इन C2, राइट? C2 में निकलेगा, द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ऑटोफिल. क्लियर? आप एक ही बारी फॉर्मूला लगाओगे एंड बाय ड्रैगिंग द फिल हैंडल द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज विल गेट कैलकुलेटेड, राइट? सो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, C2 में लगाएंगे हम 25% ऑफ बेसिक. बेसिक कहाँ पे पड़ा है? इन द सेल B2. सो दैट मीन्स आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, 25/100 व्हाट मस्ट फॉलो करेंगे इनटू बेसिक. बेसिक विल बी इन द B2, और यू कैन राइट इट एज इक्वल टू 0.25 × B2. आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं. सो दिस वे द HRA विल बी कैलकुलेटेड, दैट इज 25% ऑफ बेसिक. क्लियर बच्चे? क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट the DA as, calculate the DA as 50% of basic plus HRA. 50% of basic plus HRA. How the DA will be calculated now? 50% of basic plus HRA. So I'm going to write the answer here. तो टेल मी, जब आपने 50% ऑफ बेसिक प्लस एचआरए करना है, वन कॉमन मिस्टेक इज कि आप लोग क्या करोगे, 50/100 इनटू बेसिक किसने पड़े है? B2 में. एचआरए कहाँ पे पड़े है? प्लस C2, राइट? अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो व्हाट विल बी द आंसर? This is not according to the question given. Why? जब आप बॉड मास फॉलो करते हो बच्चे, तो ये चीज तो मल्टीप्लीकेशन की पहले चल जाएगी. अकॉर्डिंग टू द बॉड मास, मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है एडिशन से, राइट? सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन विल गेट बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेइंग कि बेसिक प्लस एचआरए होगा, जितना टोटल होगा उसका 50% है.
not the 50% of basic only. Clear? So this thing is wrong. So what we have to do is, आपको पहले बेसिक और एच आर ए को एड करना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी 0.5 इंटू बी टू प्लस सी टू. बी टू में बेसिक पड़ी है, सी टू में एच आर ए पड़ा है, उसके बाद मैंने टोटल के ऊपर 50% अप्लाई किया. अगर आपको 0.5 नहीं क्लियर हो रहा तो आप इस तरह भी दे सकते हो. ये 0.0 कैंसिल करी तो 0.5, वी आर लेफ्ट विद 0.5 ओनली, राइट? दैट इज 50% ऑफ बेसिक प्लस एचआरए. थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रॉस एज बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए. बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए. हाउ यू विल कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी नाउ? द ग्रॉस सैलरी इज बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए. व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? इन द सेल G2 पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू बेसिक इज गिवन इन D2, एच आर ए इज गिवन इन C2 एंड द डी ए इज गिवन इन D2, B2 plus C2 plus D2, or you can apply the function equal to sum B2 colon D2, B2 colon D2. Anyways, the any one of the method you can follow to calculate it, right? Write down, calculate net salary as equal to gross minus other deductions plus provident fund. How you will calculate the net salary? The formula for net salary is given in the question itself. For calculating the net salary, that is equivalent to gross minus other deductions plus PS. Right? So what will be the formula here now? Gross is given in G2 minus other deductions are given in F2 plus PF. PF is given in E2. So F2 plus E2, this will be in the bracket, and then G2 minus जो भी आपका addition करके part आ रहा है, right? So you will auto fill it and the rest of the things will be calculated automatically. Clear? Next question, calculate total number of employees. To calculate total number of employees and display in the cell A9. Display in the cell A9. So what will be the formula in the cell A9 now? Ye A9 hai. हमने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने हैं. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप कोई भी न्यूमेरिक कॉलम उठा सकते हैं, और आइदर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द टेक्स्ट कॉलम आल्सो. एंड इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द टेक्स्ट, हमने येस्टरडे भी यही सेम क्वेश्चन एक डिस्कस किया था. फॉर दैट द फंक्शन इज काउंट ए. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लगा रहे हो, दैट इज इन द A2 कॉलन A8. क्लियर? अगर आप काउंट फंक्शन से कर रहे होते तो फंक्शन क्या लगता? काउंट B2 colon B8. सो दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिक कॉलम, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज काउंट. बट इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द नेम कॉलम, दीज आर द टेक्स्ट एंट्रीज, एंड फॉर द टेक्स्ट एंट्रीज द फंक्शन इज काउंट ए. ऑलवेज जब भी हमारा टेक्स्ट एंट्रीज का कॉलम होगा, हमने कॉलम क्या लेना है? द फंक्शन इज काउंट ए. यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द सेल A9. तो मैंने ये A9 पे ही फंक्शन लगाया, राइट? A9. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर
the function is count. Calculate the total net salary. Calculate the total net salary in the cell H9. H9 में यहाँ पे आप देखो, जब H9 कॉलम पे आओगे आप, H9 सेल में, how you are going to calculate the total net salary. Earlier हमने net salary को एक एक करके निकालना था. And for calculating the net salary, the formula was gross minus other deductions plus PF. अब जब ऑटो फिल करके आपके पास सारी की सारी नेट सैलरीज आ जाएंगी, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नेट सैलरी इन द लास्ट. जब पूरा का पूरा नेट सैलरी का कॉलम फिल होगा, लास्ट पे हम टोटल अमाउंट निकालेंगे. सो वेरी इजी, क्या लगेगा? सम फंक्शन, और यू कैन अप्लाई द प्लस ऑपरेटर ऑल्सो. इक्वल टू लगा कहाँ पे रहे हैं? इन द सेल H9. तो H9 पे फॉर्मूला लगाओगे equal to the net salaries are given in the H column, that is sum H2 colon H8 equal to sum H2 colon H8. या फिर आप क्या कर सकते थे, H2 plus H3, H4, H5, H6, H7, H8, right? So the better way is simply write down the function, that is equal to sum H2 colon H8. Clear? In order to find the total net salary at the last, the function will be equal to sum H2 colon H. The average PF in cell E9. कैलकुलेट द एवरेज पी एफ. जितना भी प्रोविडेंट फंड पड़ा है उसका हमने एवरेज निकालना है. एंड इन दी सेल E9 वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज E9 विल बी इक्वल टू, क्या फंक्शन लगेगा? एवरेज निकाल रहे हैं, सो फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज द फंक्शन इज एवरेज ओनली, राइट? इक्वल टू एवरेज. किसकी एवरेज निकालनी है? प्रोविडेंट फंड की. प्रोविडेंट फंड इज गिवन इन द कॉलम ई, सो सेल्स विल बी E2 colon E8. This way the average of the provident fund will be calculated. Equal to average E2 colon E8. Right? Next, bache, listen the question very carefully. Manager later realized that, you can write it down also. Manager later realized that he needs one more column. एच तक हमारे पास कॉलम्स हैं, उसने बाद में रियलाइज किया कि हमें एक और कॉलम चाहिए. सो ही वांट्स टू नेम दैट कॉलम एज द एम्प्लॉय नंबर. एम्प्लॉय नंबर, यू कैन सी ना, एम्प्लॉय नेम्स आर देयर बट एम्प्लॉय नंबर इज नॉट हियर. सो ही वांट्स टू ऐड वन न्यू कॉलम विद द नेम एम्प्लॉय नंबर. सो विच फीचर विल हेल्प हिम automate the typing of, which feature will help him automate the typing of sequential numbers, will help him automating the typing of sequential numbers. उसने sequence में एक employee number generate करना है. अब कौन सा feature ऐसा use करोगे जिसकी help से the employees numbers will get the number in सीक्वेंस नंबर में, खुद अरेंज हो जाएंगे. सो विच फीचर यू विल यूज फॉर दैट? अगर आप वन दे रहे हो एम्प्लॉय नंबर, तो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय नंबर्स विल बी इन द सीक्वेंस, दैट इज 2, 3, 4, द सेम वे, राइट? सो विच फीचर? दैट इज ऑटोफिल और रिकैलकुलेशन फीचर. द फीचर नेम इज ऑटोफिल और रिकैलकुलेशन फीचर विल हेल्प हिम in automating the typing of sequential numbers. The auto will feature will help the manager in typing the sequential numbers. Clear hai bache? Annual charges, term 1, term 2, term 3, payment mode,
number of days, fine in rupees, and the last column is total fees. Total fees. Okay, first question, and it's given that points per day is 20 rupees. Point per day is given, that is 20 rupees. Bottom pe bachcha kuch nahi hai, itna hi hai, aur kuch nahi diya hua. Okay, first question, you have to calculate the payment mode as payment mode. To kaise calculate karna hai, that will be sum of term 1, term 2 and term 3 plus annual charges. How you are going to calculate the payment mode? That is term 1, term 2, term 3 plus annual charges. According to that, payment mode is to be calculated in the cell F2. F2 pe hum lagayenge formula. So what will be the formula? Term 1 is given in C2 plus D2. Term 3 is in E2. Annual charges are given in B2. So the formula will be C2 plus D2 plus E2 plus B2. और आप इसको कैसे लिख सकते हो? और इक्वल टू सम B2 कॉलन E2, क्योंकि ये सारे सेल्स भी हमारे ऐड हो रहे हैं, B2, C2, D2 एंड E2. सो दिस वे आल्सो यू कैन कैलकुलेट द पेमेंट मोड, राइट? नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द फाइन फॉर ईच स्टूडेंट. कैलकुलेट द फाइन फॉर each student. A fine kaise niklega? Number of days are given. Fine per day is 20 rupees given. So fine in rupees kaise niklega? In the cell H2, what will be the formula now? The formula is number of days, dekho diye hue hain, per day ka hume amount bhi given hai, so that will be equivalent to G2 multiply by 20. G2 multiply by 20. So autofill it. So बाकी का सारे आपके पास फाइन निकल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज आर गिवन फॉर ईच सेल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल फीस फॉर ईच स्टूडेंट. टोटल फी कहाँ पे निकल रही है? इन द सेल I2. कैलकुलेट द टोटल फी फॉर ईच स्टूडेंट. टोटल फी कैसे निकालोगे? पेमेंट मोड, जितना उसने पे करना है प्लस जितना उसका फाइन बन रहा है, ऐसे निकलेगा टोटल फी. एक बच्चे ने कैसे कितना पे करना है, जितना उसका पेमेंट मोड है प्लस उसका पर डे जितना भी हमने फाइन कैलकुलेट निकाला, तो उसके ऊपर उसका कितना फाइन पड़ा हुआ है. सो दिस वे द टोटल फी विल बी कैलकुलेटेड, दैट इज I2 इक्वल टू पेमेंट मोड गिवन है F2 के अंदर और फाइन गिवन है H2 के अंदर. तो F2 प्लस H2, F2 प्लस H2. भूमिका, यू आर आस्किंग व्हाई मल्टीप्लाई बाय 20. बच्चे ये देखो ना क्या दिया हुआ है, पर डे का फाइन 20 रुपीज गिवन है, तो 20 के अकॉर्डिंगली करोगे. अगर एक दिन का फाइन 20 रुपए है और आप पूरा 7 डेज आप लीव पे थे, तो 7 × 20, राइट? ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज ऑफ पेमेंट मोड. कैलकुलेट द एवरेज ऑफ पेमेंट मोड. एवरेज निकालने के लिए
इक्वल टू एवरेज, पेमेंट मोड कहाँ पे पड़ा है, एफ कॉलम में, तो दैट इज एफ टू कॉलर एफ सेवन, क्योंकि लास्ट एंट्री हमारी एफ सेवन तक है जो कंटेंट गिवन है वर्कशीट में, सो दैट्स वाई इक्वल टू एवरेज एफ टू कॉलर एफ सेवन. टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फाइन अमाउंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम फाइन अमाउंट, मैक्सिमम फाइन निकालेंगे, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट एट दी एच एट पोजिशन पे निकालेंगे, तो मैक्सिमम फाइन कैसे निकलेगा, मैक्सिमम के लिए दी फंक्शन इज मैक्स इक्वल टू मैक्स, फाइन कहाँ पे पड़ा है, एच कॉलम में, तो एच टू कॉलम एच सेवन, मैक्सिमम फाइन इक्वल टू मैक्स एच टू कॉलम एच सेवन. क्लियर है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट, द लास्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड चार्ट, व्हाट इज द